हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे मैकियावेली, नैतिकता और धर्म संबंधी विचार। मैकियावेली के जो नैतिकता और धर्म संबंधी विचार है उसके बारे में पढ़ेंगे। मैकियावेली के विचार की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि उसने राजनीति को धर्म और नैतिकता या नीति के प्रभाव से सर्वथा मुक्त कर दिया। मैकियावेली के जो विचार की सबसे प्रमुख विशेषता है उसने क्या किया कि राजनीति को धर्म और नैतिकता के प्रभाव से सर्वथा के लिए मुक्त कर दिया। मैकियावेली की यह विशेषता उसे प्राचीन और मध्यकालीन विचारकों से अलग करती है। मैकियावेली की यही विशेषता है जो धर्म और नैतिकता से राजनीति को अलग करना उसकी यही विशेषता उसे क्या प्राचीन और मध्यकालीन विचारकों से अलग कर देती है। सोफिस्ट विचारकों के अतिरिक्त सभी यूनानी विचारक सुकरात हो चाहे प्लेटो तथा अरस्तु नैतिक जीवन को बहुत महत्व देते थे। ये सोफिस्ट विचारकों के अतिरिक्त जो यूनानी विचारक थे सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के नैतिक जीवन को बहुत महत्व देते थे और चर्च के विचारकों का संपूर्ण राजनीतिक चिंतन ही धर्म से अनुप्राणित था। जो मध्ययुगीन मध्यकालीन विचारक थे जो या चर्च के विचारक थे उनका तो संपूर्ण राजनीतिक चिंतन ये धर्म से क्या था अनुप्राणित या प्रभावित था, किंतु मैकियावेली पहला ऐसा विचारक था जिसने राजनीति को नैतिकता से जानबूझकर तथा औपचारिक रूप से अलग कर दिया। मैकियावेली पहला ऐसा विचारक था जिसने क्या किया राजनीति को नैतिकता और नैतिकता उसे जानबूझकर और औपचारिक रूप से अलग कर दिया। मैकियावेली इस बात से इनकार करता है कि भाव जीवन में आनंद प्राप्त करने के लिए मनुष्य को ईश्वरीय कानून के निर्देश की आवश्यकता है। मैकियावेली की धारणा है कि मनुष्य का केवल एक ही लक्ष्य हो सकता है, वह इस जीवन में सुख की प्राप्ति। इस प्रकार मैकियावेली मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य के संबंध में संत थॉमस एक्विनास और ईसाई धर्म के अन्य विचारकों की धारणाओं का खंडन करता है। मैकियावेली ने इस बात से इनकार किया है या करता है कि भावी जीवन जो जीवन के लिए जीवन के आनंद प्राप्त करने के लिए मनुष्य को ईश्वरीय कानून के निर्देश की आवश्यकता उसका उसने इस बात से कम्प्लीटली इग्नोर किया है कि मनुष्य को जीवन का आनंद या जीवन को जीने के लिए क्या ईश्वरीय कानून के निर्देश की आवश्यकता है। उसे इस बात को कम्प्लीटली क्या कर दिया कि खंडन कर दिया। उसने ये कहा कि मनुष्य को जीवन जीने के लिए ईश्वरीय कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। मैकियावेली की धारणा है कि मनुष्य का केवल एक ही लक्ष्य हो सकता है, वह है जीवन में सुख की प्राप्ति। उसकी यह धारणा थी कि मैकियावेली की मानव का एक ही लक्ष्य हो सकता है, वह है इस जीवन में सुख की प्राप्ति। इस प्रकार मैकियावेली मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य के संबंध में क्या संत थॉमस एक्विनास ईसाई धर्म के अन्य विचारकों की धारणाओं का खंडन। जो मैकियावेली था वो क्या करता है कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य के संबंध में मानव जीवन के संत थॉमस एक्विनास ईसाई धर्म के विचारकों की क्या धारणा को खंडन करता है। मैकियावेली के अनुसार राज्य के द्वारा अपने को एकीकृत करने और शक्तिशाली बनाने के लिए आवश्यकतानुसार सभी प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं। मैकियावेली के अनुसार क्या था कि राज्य द्वारा अपने को एकीकृत इंटीग्रेट करने या एक करने के लिए तथा शक्तिशाली बनाने के लिए आवश्यकतानुसार सभी प्रकार के राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए राज्य द्वारा क्या किया जा सकता है कि किसी भी प्रकार सभी प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं, अच्छे या बुरे जो भी हों। वह कहता है कि राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। साधन तो सदैव आदरणीय ही समझे जाएंगे, उसकी सामान्य रूप से प्रशंसा की जाए। उसने क्या कहा कि राजा को क्या करना चाहिए कि राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। साधन क्या होंगे हमेशा ही अगर राज्य की सुरक्षा होगी तो साधारण हमेशा ही आदरणीय समझे जाएंगे, उसे सामान्य रूप से प्रशंसा की जाएगी। मैकियावेली की धारणा राज्य की सुरक्षा और कल्याण के मार्ग में नैतिक विचारों को बाधित नहीं होने दिया जाना चाहिए। मैकियावेली की धारणा है कि राज्य की सुरक्षा और कल्याण के मार्ग में नैतिक विचारकों को बाधित नहीं होने दिया जाना चाहिए और नैतिकता के चक्कर में न पड़कर आवश्यकतानुसार सभी प्रकार के साधन अपनाए। उसका ये विचार था कि राज्य की जो सुरक्षा और कल्याण के मार्ग में क्या होना चाहिए, किसी भी नैतिक विचार या नैतिकता क्या नहीं होनी चाहिए, बाधक के रूप में नहीं होनी चाहिए। नैतिक विचार किसी प्रकार से क्या राज्य के सुरक्षा और कल्याण के लिए बाधा नहीं होनी चाहिए। नैतिकता के चक्कर में न पढ़कर आवश्यकतानुसार उसकी नैतिकता के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। नैतिकता में
नैतिक विचारों में निपटना चाहिए। नैतिकता की नैतिकता या धर्म संबंधी विचार में न पढ़कर सभी प्रकार के साधन अपनाने चाहिए, अच्छे या बुरे। उसे नैतिकता का ख्याल बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। मैकियावेली लिखता है, राजा को ऊपर से विश्वासी, धार्मिक और सच्चा होने का ढोंग करते हुए आवश्यकता पड़ने पर निर्दयी, विश्वासघाती और अधार्मिक बनने की तत्पर रहना चाहिए। मैकियावेली का ये कहता है कि राजा से ऊपर से क्या दिखाना चाहिए कि वह विश्वासी, धार्मिक और सच्चा होने का ढोंग करना चाहिए, मगर जब आवश्यकता हो उसे निर्दयी, विश्वासघाती और अधार्मिक बनने के लिए तत्पर रहना चाहिए। उसका विचार है कि छल कपट को जानने के लिए लोमड़ी और भेड़िए को डराने के लिए शेर होने चाहिए। उसका विचार है छल कपट को जानने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसे लोमड़ी होने चाहिए, छल कपट को जानने के लिए और भेड़िए को डराने के लिए उसे शेर होने चाहिए। इस प्रकार मैकियावेली राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी साधनों को अपनाना उचित ठहराता है। इस प्रकार के मैकियावेली के जो राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए क्या सभी प्रकार के साधनों को उचित ठहराता है, चाहे वो नैतिक हो या अनैतिक। राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनैतिक और अधार्मिक कार्यों का समर्थक होने पर भी वह राजनीतिक क्षेत्र में धर्म की उपयोगिता को स्वीकार करता है। उसका यह कहना है कि राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनैतिक और अधार्मिक कार्यों का समर्थन होने पर भी हो वह राजनीतिक क्षेत्र में धर्म की उपयोगिता को स्वीकार करता है। वह एक प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र में धर्म की उपयोगिता स्वीकार करता है, भले ही वह अनैतिक और धार्मिक कार्यों का भी समर्थन करता है, परंतु वह राजनीति में धर्म की उपयोगिता को भी स्वीकार करता है। उसकी दृष्टि में धर्म इसलिए महत्व है क्योंकि व्यक्ति अनेक बार राज्य के कानून की अवज्ञा या अवहेलना तो कर सकता है, किंतु धार्मिक नियमों को ईश्वरीय आदेश मानकर पालन करते हैं। उसका एक कहना है कि जो धर्म इसलिए महत्व है राज्य के लिए क्योंकि व्यक्ति कई बार क्या करता है कि राज्य के जो कानून है उसकी तो अवहेलना या उसको नहीं मानता है, किंतु धार्मिक जो नियम है उनको ईश्वरीय आदेश समझकर मानकर पालन करता। उसके शब्दों में धार्मिक संस्थाओं का पालन गणतंत्रों की महत्ता का कारण है और इन संस्थाओं की अवहेलना राज्य के विनाश को जन्म देती है। मैकियावेली शक्ति के साथ साथ धर्म को साम्राज्य के आधार के रूप में स्वीकार करता है, किंतु धर्म के संबंध में उसका दृष्टिकोण पूर्णतः उपयोगितावादी है। मैकियावेली शक्ति के साथ साथ या धर्म को साम्राज्य के आधार के रूप में स्वीकार करता है, किंतु धर्म के संबंध में जो उसका दृष्टिकोण है वो पूर्णतः उपयोगितावादी है। नैतिक व धार्मिक भावनाओं का आधार मैकियावेली वहीं तक करता है जहाँ तक राज्य की शक्ति और हित के महत्वपूर्ण साधन है, किंतु धर्म और धर्म के संबंध में उसका दृष्टिकोण क्या है पूर्णतः उपयुक्त है। नैतिक और धार्मिक भावना का आधार मैकियावेली वहीं तक करता है जहाँ तक कि वह राज्य की शक्ति और हित के महत्वपूर्ण साधन हो। और इसका जो विचार की आलोचना है ये धार्मिक धर्म और नैतिकता के संबंध में उसका ही है। मैकियावेली ने अपने राजनीतिक दर्शन में धर्म और नैतिकता की घोर उपेक्षा की है। जो मैकियावेली ने क्या अपने राजनीतिक दर्शन में क्या है धर्म और नैतिकता की घोर उपेक्षा की। इडली की तत्कालीन परिस्थितियों में उसकी दृष्टि इतनी सीमित और मर्यादित हो गई, इटली की जो तत्कालीन परिस्थिति में उसकी दृष्टि इतनी सीमित और मर्यादित हो चुकी थी कि वह समाज में इसका सही महत्व आंकने में असमर्थ रहा। उसका उस टाइम का जो इटली की तत्कालीन परिस्थिति उसको ही लेकर उसने इन धर्म और नैतिकता संबंधी विचार दिए, मगर मानव जीवन में नैतिकता का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट नैतिकता बहुत इम्पोर्टेंट है मानव जीवन के लिए। और इसके बाद हो गया मैकियावेली पर यह आरोप लगाया नहीं जाना चाहिए कि उसने राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग कर भ्रष्ट कर दिया। मैकियावेली पर यह आरोप नहीं लगाना चाहिए कि उसने राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग कर दिया। राजनीति तो उससे पूर्व भ्रष्ट हो चुकी थी। राजनीति क्या राजनीति तो मैकियावेली से भी पूर्व क्या होगी इसे भ्रष्ट हो चुके। मैकियावेली का सिद्धांत न तो नैतिकतावादी है न इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि मैकियावेली का जो सिद्धांत है न तो नैतिकतावादी है न तो अनैतिकतावादी, वरन वह नैतिकता और अनैतिकता के प्रश्न से परे है। उसका जो वो उसका मैकियावेली का जो सिद्धांत है वो तो नैतिकता और मैकियावेली का सिद्धांत नैतिकता और अनैतिकता से परे है। डनिंग के शब्दों में मैकियावेली राजनीति में अनैतिक नहीं वरन धर्म और नैतिकता से उदासीन है। मैकियावेली के जो राजनीतिक सिद्धांत है वो अनैतिक नहीं है बल्कि वे जो उसके राजनीतिक सिद्धांत वो धर्म और नैतिकता से बिल्कुल उदासीन है।
तो ये हो गया मैकियावेली का जो सिद्धांत है नैतिकता और धर्म संबंधी विचारों के बारे में हो गया ये वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।